आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली सीएमए स्टूडेंट के साथ जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं सीओसी एजुकेशन के बिहाफ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ सीएमए इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए आई हैं। आप अगर बोर्ड पर देखेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए और सीएमए इंटर एंड फाइनल के लिए। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इंस्टीट्यूट ने सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को सिर्फ एक ऑप्शन दिया है होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, और वहीं पे इंस्टीट्यूट ने इंटर और फाइनल वाले बच्चों को तीन ऑप्शन दिए हैं, होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑप्ट आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम तीनों ऑप्शंस में देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या कंडीशंस रखी हैं। अगर हम सीएमए फाउंडेशन की बात करें, मैंने अभी बताया कि सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए ओनली वन ऑप्शन है होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम में, इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या क्या कंडीशन है, क्या पैटर्न है, वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सीएमए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो रहेगा 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को ही आपके चारों पेपर हो जाएंगे। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, सुबह 10 से 12 बजे तक आपका पेपर वन, पेपर टू यानी कि इकोर अकाउंट का पेपर हो जाएगा, और फिर थोड़ा गैप मिलेगा, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपका पेपर 3 और पेपर 4 हो जाएगा, लॉ और मैथ्स का पेपर। मतलब 5 दिसंबर को ही सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम चारों हो जाएंगे और 2-2 घंटे में आपके 2-2 पेपर हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम इंटर वाले बच्चों और फाइनल वाले बच्चों की बात करें तो इन्हें ऑप्शन मिला है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड और ऑप्ट आउट का। अब इन ऑप्शंस में क्या कंडीशंस रखी है इंस्टीट्यूट ने, वो हम देख लेते हैं। अगर ऑप्शन 1 की बात करें यानी कि सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, तो इस ऑप्शन में बच्चों को जो सेंटर मिलेगा वो सेंटर वही रहेगा जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में सेंटर चूज़ किया था, वही सेंटर रहेगा, उसी सेंटर पर जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। और जो एग्ज़ाम्स की डिटेल्स रहेगी वो आपके एडमिट कार्ड में इंस्टीट्यूट सारी प्रोवाइड कर देगा। जो एडमिट कार्ड का अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आपको सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको ब्लैंक शीट मिलेगी, डेस्कटॉप मिलेगा, नेसेसरी फैसिलिटीज़ जो भी है वो सब प्रोवाइड की जाएगी सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन अगर वहीं पे आप ऑप्शन 2 यानी कि होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो इसमें आपका खुद का लैपटॉप, डेस्कटॉप होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने सीएमए फाउंडेशन के लिए पैटर्न देखा, ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम बच्चे कैसे दे सकते हैं, वो दे सकते हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम मोबाइल मोड से, लैपटॉप मोड से, डेस्कटॉप मोड से या टैब से। लेकिन वहीं पे इंटर वाले बच्चों को इंस्टीट्यूट ने मोबाइल का ऑप्शन नहीं दिया है, इंटर वाले बच्चे डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर टैब से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है सीएमए फाउंडेशन और इंटर फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए। तो कुछ मेन डिफरेंस और सिमिलैरिटी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने बताया है। तो मैंने ऑप्शन 2 पे थी, मैंने क्या बोला कि होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम में बच्चे के पास खुद का लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैब होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। और जो मेन कंडीशन रखी है ना इंस्टीट्यूट ने, वो ये रखी है कि अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है एग्ज़ाम के टाइम पे, ड्यूरेशन एग्ज़ाम में अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब हो जाता है या इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ा गया आपका, या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट में कोई इशू आ गया, कुछ भी आ सकता है, टेक्निकल इशूज़ तो कुछ भी आ सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, या फिर आप सपोज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम देते वक्त 1-2 सेकंड के लिए अपने सिस्टम से आगे पीछे गए, तो तब भी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम टोटली रिस्की है। और ऑप्शन 3 है आपका ऑप्ट आउट फ्रॉम एग्ज़ाम, मतलब इसमें आप एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, इस अटैम्प्ट से आप दूसरे अटैम्प्ट में जा सकते हैं।
इसमें आपको एक बेनिफिट क्या दिया इंस्टीट्यूट ने, जो आपकी एग्जामिनेशन फीस आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये बेनिफिट बच्चों को मिला है। अगर मैं COC की फैकल्टी की बिहाफ पे बताऊं, तो हम लोगों का ये सजेशन है आपके लिए, आप CMA स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में पूरे प्रिपेयर्ड हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन वन यानी कि सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन है COC एजुकेशन की फैकल्टी की तरफ से। और अगर आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो आप ऑप्ट आउट कर लीजिए इस एग्ज़ाम से। ऑप्शन टू जो है ना, होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। हमारी तरफ से सजेशन है बस छोटा सा, मानो ना मानो वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सेंटर बेस्ड में जाइए, और अगर आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं एग्ज़ाम देने में, थोड़ा खिचखिचा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपको ऑप्ट आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अब हम कुछ पैटर्न के साथ साथ डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम का मार्क्स क्या रहेगा। CMA फाउंडेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि उनका एग्ज़ाम जो रहेगा उसमें 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट का रहेगा, मतलब हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो टोटली MCQ रहेगा CMA फाउंडेशन में। और वहीं पर अगर हम इंटर की बात करें, तो आपका MCQ और डिस्क्रिप्टिव आपका बोथ रहेगा, MCQ और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए मिलेंगे। इसमें आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेम इंटर फाइनल वालों के लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो रही है। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके पास गवर्नमेंट ID प्रूफ यानी कि वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और स्टूडेंट ID होना चाहिए। सेम इंटर के लिए भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही रहेगा, अभी इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही आती है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इंटर और फाइनल के लिए भी ये कंडीशन सेम रहेगी। और आपका एग्ज़ाम में मैंने बता दिया मेन डिफरेंस इस वाले पॉइंट के लिए, कि आप जो CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप से चारों ऑप्शन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब कोई एक चूज़ करके, और इंटर और फाइनल वाले बच्चों के पास मोबाइल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको मोबाइल का ऑप्शन नहीं मिला है, आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो लैपटॉप, या तो डेस्कटॉप, या फिर टैब। और आपको दोनों केस में, मतलब अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं या फिर इंटर और फाइनल के बच्चे हैं, दोनों केस में आपको उसका लॉगिन क्रेडेंशियल और URL लिंक बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाएगा आपकी रजिस्टर ईमेल ID पे, या फिर SMS के थ्रू आपके रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर देगा। बाकी कोई भी फर्दर डिटेल्स, इंफॉर्मेशन कुछ भी आएगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देती हूँ इंटर फाइनल वाले बच्चों के लिए, आज लास्ट डेट है ऑप्ट आउट सेंटर बेस्ड या होम बेस्ड ऑप्शन चूज़ करने का। आज के दिन में अगर आप चूज़ नहीं करते हैं कोई भी ऑप्शन, तो इंस्टीट्यूट ये मान लेगा कि आप सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे, मतलब आपका खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा सेंटर बेस्ड के लिए, मतलब आपको फिर सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप कोई भी ऑप्शन आज की डेट में नहीं फिल करेंगे तो। बाकी यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको सभी को पता होना चाहिए। कोई भी डाउट्स या कुछ भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, और आपको लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ पे जाके आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फ्रॉम COC टीम।